Hey guys, welcome back to my channel. So this is the second part. As I said before, कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो पार्ट वाइज रहेगा. तो yes, and ये आया मेरा छोटा भाई मुझे तंग करने के लिए. तो ये भी रेडी हो चुका है और ये मेरा दूसरा भाई भी रेडी हो चुका है और हम दोनों ट्विनिंग हो चुके हैं इस बार. और ये कोइंसिडेंटली हुआ था, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं किए थे और हम लोग सब यहाँ पर रेडी हो चुके. और ये देखिए बाहर का वेदर, 3 दिन से बहुत अच्छा धूप था लेकिन जिस दिन हम लोग को बाहर जाना था उस दिन बारिश होने लगी. सुबह से बारिश हो रही थी तो हम लोग ऐसा लगा कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए. उस वजह से मूड भी अपसेट हो चुका था लेकिन फिर भी हम लोग रेडी हो चुके थे कि कोई बात नहीं, अब अगर बारिश होगा तो भी हम लोग जाएंगे ही जाएंगे. हम लोग का इस्कॉन मंदिर जाने का प्लान था इसलिए मैंने सूट पहना था और ये सूट मैंने पसंद किया था. इसका कलर और मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने पसंद किया था. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सूट कलर. एंड जब तक सब कोई रेडी हो रहे थे मैं थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो शूट कर रही थी. एंड ये आ गया मेरा छोटा भाई फिर से मेरे वीडियो में, तो मैंने कहा कि तू आ गया है तो अब तू भी आ जा मेरी वीडियो में. और इसे मैंने अपने गोद में खिलाया और अब देखिए वो कितना बड़ा हो गया है. ये मुझे गोद ले लगा, इतना बड़ा हो चुका है ये. और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं साड़ी ख़रीदने के लिए मम्मी के लिए. और ये मामा देते हैं, मामा मामी अपनी तरफ से देते हैं. तो हम लोग सब आए हैं साड़ी ख़रीदने के लिए क्योंकि चॉइस हम सबका रहता है, सबकी पसंद का रहता है. तो इसलिए हम सब कोई आ गए यहाँ पे. मामा कुछ काम से बाहर गए हुए थे इसलिए वो बाद में आए और वो बाइक में थे इसलिए वो भींग भी गए. और ये दुकान जो है वो मामा के घर से काफ़ी नज़दीक है तो हम लोग पैदल ही आ गए थे. तो यहाँ अब साड़ी सिलेक्शन चल रहा है कि कौन सा साड़ी लेना है कौन सा साड़ी नहीं लेना है. ये रेड वाली साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी इसलिए मामी ने अपने ऊपर ले के देखा कि कैसी लग रही है. तो अच्छी लग रही थी बहुत मामी. और ये रहा ऑडियंस का रिस्पॉन्स. जब तक बिल पेमेंट हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे अपना मिरर में वीडियो शूट कर रही थी. और अगर इस दुकान के बारे में आपको जानना है तो मैं इनका नाम बता देती हूँ. इस दुकान का नाम है पिंटू क्लोथिंग शॉप, IOC रोड सिपारा में. और उसके बाद हम लोग निकल गए इस्कॉन मंदिर के लिए. सो दिस इज़ द हॉस्पिटल वेज भैया वॉज बॉर्न. तो ये बात मेरे भैया को नहीं पता है तो आज शायद उसे ये भी पता चल जाएगी यही वो जगह है जहाँ से मैं पैदा हुआ था. सो हेयर वी कम टू इस्कॉन मंदिर. और ये है दूसरे साइड का गेट और इसके जो सामने अभी दिखाएंगे वो है मेन एंट्रेंस. ओके, तो मैं इस मंदिर का फुल एड्रेस आप लोगों को बता देती हूँ. इस मंदिर का फुल एड्रेस है बुद्ध मार्ग वीर चंद्र पटेल रोड एरिया नियर GPO.
मंदिर के अंदर जाते ही आपको यहाँ पे अपना फुटवेयर जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना भीड़ है, यहाँ पे सभी लोग अपने फुटवेयर यहाँ जमा कर रहे हैं। यहाँ पे जमा करने के लिए आपको यहाँ पे एक झोला दिया जाएगा, आप एक दो जितने चाहे झोले ले सकते हो, आप अपना जितना है अच्छा से शूज़ यहाँ पे रख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के एक पूरा झोला भर चुका था, तो हम लोगों ने दूसरा झोला भी लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाथ धो के यहाँ से फूल ख़रीदा। यहाँ भी ढेर सारे राधे कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो मुझे लगा शायद यही मेन दर्शन करने का जगह है, लेकिन नहीं, ये मेन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर भी था जो जहाँ पे एक्चुअल पूजा वहाँ पे होता है, तो लेकिन वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं था, तो वो शूट मैंने नहीं कर पाई। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मी कुछ अपने घर ले जाने के लिए कुछ यहाँ से सामान खरीद रही थी, तो वो जो मम्मी अभी सेकंड में एक जो उठाएगी गाय जो बनी हुई है उसमें रेडियम था। मंदिर के कैंपस में हम लोगों ने समोसा खाया जिसका साइज़ बहुत बड़ा था, तो हम लोग का एक ही समोसे में पेट भर गया। और मैंने पहली बार इतना बड़ा समोसा खाया, क्योंकि नॉर्मली इतना बड़ा समोसा नहीं आता है, बट इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था और इसका प्राइस भी नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा था। इसका एक समोसे का दाम था 25 रुपया, और यहाँ पर हर थोड़े देर में प्लेन जाता है। आसनसोल में ऐसा दिखता नहीं है, बहुत रेयर दिखता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये कैपिटल है बिहार का, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह के प्लेन दिखेंगे ही। और मैंने यहाँ पर क्रिस का मजाक उड़ाया कि ये दो दो समोसा खा रहे, इतना पतला दुबला सा है, लेकिन वो एक मेरे लिए और एक मामी के लिए था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसा का साइज़। ओके, उसके बाद मामा ने कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए, मुझसे भी पूछा गया लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ। और अब अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे से, सारे लाइट्स ऑन हो चुके थे जब यहाँ हम लोग आए थे, तो उस समय डे लाइट था, तो इसलिए उस समय लाइट्स ऑन नहीं थे, बट अब हो रहे थे सारे लाइट्स ऑन। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक प्लेन गया एंड मैंने फिर से उसका वीडियो शूट किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा था वो, एंड वो मंदिर के पीछे चला जाता तो काफ़ी सुंदर सा व्यू देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद मैंने दिखाया कि हाँ इस्कॉन भी लिखा हुआ था, तो वो भी मुझे दिखाना था तो मैंने दिखाया। एंड इसके बाद यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, तो आप यहाँ से प्रसाद भी ले जा सकते हो। और यहाँ पे फिर हम लोग शूज़ पहनने लग जाते हैं, यहाँ पे रौनक मदद कर रहा है मामा को शूज़ पहनने में। उसके बाद मैं यहाँ पे सबको टाटा बाय बाय कर दूँगी, क्योंकि ये लोग यहाँ से अब चले जाएंगे घर, डायरेक्ट घर जाएंगे, और हम लोग जाएंगे यहाँ से मॉल। मैं मामा के साथ मॉल जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा शॉपिंग अभी बाकी है, मम्मी का शॉपिंग हो चुका है बट मेरा बाकी है अभी। हाँ, तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं मॉल, और इस मॉल का नाम है सेंट्रो। यहाँ से ही मैंने अपना सारा शॉपिंग किया, सारा मतलब क्या, मैंने एक जीन्स लिया और एक शर्ट लिया, तो वो आपको कभी मैं दिखा दूँगी पहन के। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने क्या लिया है। और ये आप देख सकते हो कि बाहर से किस तरह से दिखता है मॉल, और ये रहा मेरा शॉपिंग बैग। उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाइक में, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महावीर मंदिर भी दिख रहा है, और हम लोग इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम लोग महावीर मंदिर नहीं आए, और यहाँ पे
वो क्या बोलते हैं, एक बिस्किट होता है जो गोल गोल टाइप का होता है, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो हम लोगों ने वो लिया था क्योंकि मुझे मम्मी को पापा को मतलब सबको बहुत पसंद है वो बिस्किट खाना चाय के साथ। तो मैं चाय ऐसे खाती नहीं हूँ, मतलब पीती नहीं हूँ चाय, बट मैं बिस्किट के साथ मुझे अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हो कि स्टेशन रात में कितना खूबसूरत लगता है, मतलब मैं तो हमेशा दिन में यहाँ से जब निकलती हूँ तो बहुत दिन रहता है, जब आती हूँ तो उसमें एनर्जी नहीं रहता है कि आप इस तरह के व्यू का इन मतलब मज़ा ले सके। बट इस समय मुझे मामा घर ले जाते वक्त मुझे अच्छा से दिखा दिया कि वो देखो किस तरह से सुंदर सा पटना स्टेशन दिखता है। ये है महावीर मंदिर जहाँ पे हर साल हम लोग जाते हैं, मतलब जब भी यहाँ पे आते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं। ये स्टेशन के ठीक बगल में ही है और यहाँ पे आप बेसन का लड्डू खरीद सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है बेसन का लड्डू, मुझे बहुत पसंद है। और बहुत गलती होगी कि इस बार हम लोग इनका दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, भगवान जी माफ़ कर दीजिए, इस बार हम लोग नहीं कर पाए आपका दर्शन। और ये रहा पटना का रास्ता, सारा सारे रोड, सारे ओवरब्रिज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा दिखा दी। एंड ये वीडियो अब थोड़े देर में एंड हो जाएगा, ये मतलब ये पार्ट एंड हो जाएगा, इसके बाद और भी पार्ट्स मैं लाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो पार्ट वन भी देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंस्टाग्राम के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, और अगर अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कुछ बोला करिए आप लोग कमेंट में भी, कुछ फॉल्ट हो रहा हो तो भी बोलिए, और आपका इसी तरह साथ चाहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।